इंडिया को ट्रेड के लिए दोबारा आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ही पहले बंद किया था ट्रेड। आपको पता है कि इंडिया की लास्ट जीडीपी क्वार्टरली फिगर क्या है? 13.5%, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो मार्स पे उनकी आंटियां रॉकेट फेंक रही हैं साड़ी अच्छा पे। मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है। और कितने अच्छे चढ़ रहे हैं ये, कौन लोग सुन वाले साहब, किन किन लोगों के हम बाजे बजाते हैं और ढोल बजाते रहते हैं। तो कहते हैं मैंने तो सुन, किन दे ढोल बजाते रहते हैं। वो बताया ना किस किस ने, किस किस ने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। मैंने तो सुन नहीं, मैं नहीं लाना और जरूर दोबारा तो तुम्हारे से थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहां के रहने, मैं आपके दे हथे चढ़ गए हैं। आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा मेरे साथ यहाँ से, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहां पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलन लेनी है, तो आपको बैंकर आ जाता जी आप मेरे से, जो मैंने बात, इंडियन ओशन में पैर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? ये जो हमारी विरोधी शक्तियां ऐसी कुछ ऐसी लीला हो रही है ईश्वर की, खुद ब खुद बिखर रही है। देखिए पाकिस्तान को हम थ्रेट नहीं मानते, थ्रेट हम मानते हैं चाइना को। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ 13.5 की रफ्तार से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ही भारत दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी के मामले में, जीडीपी के मामले में बन जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया अब रिएक्ट कर रही है इस पर, और पाकिस्तानी मीडिया अब ये भी बोल रही है कि भारत से जल्द व्यापार चालू किया जाए। जो पाकिस्तान में हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई बढ़ गई। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि मैं इधर से जाता हूँ, आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपये, 200 प्याज 300 रुपये और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैंने ले आओ तो अलग देते हैं। मसला क्या है यहाँ पे? बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं, उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है, क्या है वहाँ पे? नहीं 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 अच्छा मुझे बात सुनाए, 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है। और कितने अच्छे चढ़ रहे हैं ये, कौन लोग सुन वाले साहब, किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? तो कहते हैं मैंने तो सो, किन दे ढोल बजाते रहने हैं? वो बताया ना किस किस ने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। मैंने तो सुन नहीं, मैं नहीं लाना और जरूर दोबारा तो तुम्हारे से थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहां के रहने, मैं आपके दे हथे चढ़ गए हैं। आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा मेरे साथ यहाँ से, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहां पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलन लेनी है, तो आपको बैंकर आ जाता जी आप मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की किया, कर्जा लेने और हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है, यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन है इंडिया, उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी ये पंजाब है यहाँ पे वो जी, ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या मसला पड़ा हुआ है, ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया हम गंदम नहीं कमा बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है, वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग राज, ज़ियाउल्लाह का दौर 7% ग्रोथ रेट, 7 से 8% ग्रोथ रेट किसका? परवेज मुशरफ का। और IMF का प्रोग्राम उसने नहीं लिया। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं, मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। तो यार मेरी एक बात सुन, यहाँ के सारे डैम अयूब खान बना के गया, जो एक डिक्टेटर था। पैसा लिया यार, जिससे पैसा लिया वो एना, 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 मेरे चाचे को ले आसी यार, रौला ना पाया पुट्टा सवाल। अयूब खान वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया, बात ये है कि पैसे IMF के पास लेके गया, पैसे टट्टे खूच ले आओ। कोई लोन नहीं था उस वक्त जब अयूब खान ने की थी, सारे के सारे ग्रांट में बनाया था। ओए तुम लोगों से ज्यादा देके पाकिस्तान, हम इसलिए परफॉर्म नहीं, दसो ना यार, सुनो ना, सिंताज बताए ना मुझे, रावी किधर गया? बुकालो फिर मैं कर, रावी किधर गया? सतलुज किधर गया? 3 दरिया देके डैम बना लिया आप कह रहे हैं, चले बात करें आप। नहीं तुम बुकालो, नहीं बुकालो, 5 मिनट और ला लो। नहीं नहीं आप, ये जो आपके पोलिटिकल लीडर है 2% पे जलील हो रहे हैं, IMF के आगे जलील नाक रगड़ रहे हैं, और ग्रोथ आपका मिल्ट्री डिक्टेटर दे रहे हैं जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और जिन्होंने आपको बनाया है। हम इसलिए मिलिट्री डिक्टेटर से लड़े थे कि जिन जराइम पेशा लोगों को उन्होंने प्रमोट उन्होंने किया था। मगर तुम्हारी क्या, आप डेमोक्रेट हो,
अपनी हर डेमोक्रेसी में हमें डिफॉल्ट के करीब ले जाते हो, और हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ज़िया उल्लाह आ गया था। और शुक्र करो ज़िया उल्लाह आ गया था, तुम कौंसलर नहीं सी बढ़ना अगर ज़िया उल्लाह ना आंदा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे, पता लोग हमें क्या कहते हैं, जो मुझे बाहर कहते हैं, छोड़े काई साहब ज़िया उल्लाह का ग्रोथ रेट निकाले 7% था, अयूब खान का ग्रोथ, आप क्या बात करते हैं, आपने मरवाया हमें हजूर, आपके आपकी बाहर की जायदादों ने हमें मरवाया है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते थे और आज भी आपसे करते हैं, हमें कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए, मगर आप जरा अपने बच्चों से इधर, आज आप बड़े सिविलाइज, बड़े प्यारे सिविलाइज, क्या बात हुई, मेरी सुन ले, आपने कहा जी परवेज मुशर्रफ, आई डोंट लाइक आपने डिक्टेटर, जिसको साहब उस जैसा भी बन के दिखाएं, ठहरे ना ठहरे, आपने बात की ना जनरल अपना अयूब की जो ग्रोथ की आपकी बात की, नतीजा निकला 71 में 51% पाकिस्तानी ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेश आपका बन गया, ये आपकी ग्रोथ का नतीजा है। कम से कम इनके फैसले तो ऐसे ही जाहिर करते हैं, आप खुद देख लें इस वक्त बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में क्या हैं हालात, हालात क्या हैं, और ऐसे वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर क्या किसी जुल्म से कम है? इस वक्त जबकि दुनिया भर में इमदाद और अतियात आ रहे हैं इन गरीबों के लिए, ऐसे में आप उनका खून निचोड़ने के लिए महंगाई का मजीद बोझ डालना चाहते हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? ऐसे ही अजाब नहीं आते कौमों पर, जालिम हुक्मरान भी अजाब से कम नहीं है, मुल्क में महंगाई के 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, कौम को मुश्किल वक्त में सहारा देने उनका बोझ बांटने की बजाय हुकूमत उन पर अरसा हयात तंग करने के दर पे है, अजब तमाशे लगा रखे हैं, दौरे फोटो सेशन हो रहे हैं। अच्छा पस्ती का ये आलम देखें कि कर्ज मिलने पर हुक्मरान खुशियां मनाएं और हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया, लेकिन हुक्मरानों को गैरत नहीं आई, ये नफरत तहरीके इंसाफ से है, ये नफरत रियासत के इदारों से है, ये नफरत अदलिया से है, जिसका इजहार अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया गया। सोशल मीडिया हाउस ऑफ शरीफ का तर्जुमान बना दिया गया, जो मरियम नवाज के हर दौरे की भरपूर कवरेज और रायवंड की शहजादी की गरीबों के दुख बांटने के दिखावे को पूरी कौम को दिखा रहा है, बिना किसी सरकारी ओहदे के मरियम बीबी को जो कवरेज दी जा रही है वो किसी सरकारी आला ओहदे को भी मुयस्सर नहीं है, है ही नहीं मुयस्सर। अरे सदर ममलिकत तो पीटीआई का होने की बिना पर आपको पता है सरकारी मीडिया के लिए शजर ममनू है, तो दूसरी तरफ जो वजीर आला पंजाब हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो फिर दुश्मनों में शुमार होते हैं शायद, ये तो खैर पी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा था कि भारत की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 13.5 से दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, और चाइना की एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत नीचे, हालांकि चाइना का जीडीपी साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि आपकी आगे किस तरीके की रफ्तार रहेगी। तो उस हिसाब से इंडिया को 2030 तक ही बोला जा रहा है कि इंडिया नंबर 2 हो जाएगा। आपको पता है कोविड के बाद क्या सिचुएशन बनी थी, हालाँकि भारत को इसका नुकसान भी बहुत हुआ, भारत में आपने देखा होगा कितने लंबे समय तक लॉकडाउन था और व्यापार वगैरह सब ठप था, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी ग्रोथ है दुनिया में सबसे तेज है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दम है, और अगर ये कोविड वगैरह ना आता तो और ज़्यादा शायद भारत आगे होता। अब आप देख सकते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात क्या, पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा वाले फ्लड आए हैं, पंजाब को छोड़कर, पंजाब के भी कुछ हिस्सों में आए हैं, लेकिन पंजाब को छोड़कर बाकी जितने भी वहाँ पर प्रांत हैं सब जगह फ्लड आए हैं, बहुत ज़्यादा वाले फ्लड आए हैं, तो वहाँ पर जो फसलें हैं वो सब तबाह हो गई हैं, फसलों के साथ साथ सब्जियाँ, ये सब सब्जियाँ वगैरह तो आपको पता है बहुत सेंसिटिव फसलें होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरा तो वो वैसे भी तबाह हो जाती हैं, तो वो तबाह हो गई हैं, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा वहाँ पर रेट बढ़ गए हैं कि अब वो पाकिस्तान बोल रहे हैं कि भारत के साथ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से व्यापार चालू किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के जो हालात थे उसको लेकर संवेदनाएं व्यक्त प्रकट की थी, और जो लोग गए थे, मतलब जो लोग दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि भी दी। तो अभी लेकिन अब पाकिस्तान ने जो उसके पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ, उसके रिप्लाई में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जवाब दिया, लेकिन अब भारत की तरफ से तो ऐसा है नहीं, पाकिस्तान की तरफ से व्यापार बंद किया गया है, भारत ने तो किया नहीं था, इमरान खान के एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान भारत के व्यापार बंद हुए हैं, अब भारत तो चालू करेगा नहीं, पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा तब कहीं शायद भारत माने। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि आपको पता है पाकिस्तानियों के अंदर भारत के लिए कितना जहर भरा है, इससे तो कोई दो राय है नहीं, और भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में फ़ायदा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि फिर पाकिस्तान की हरकतें कैसी हैं, वो सुधरने वाला तो है नहीं।